Hello my beautiful friends and welcome back to my channel Glam Your Face and I am Deepika. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ what is BB cream and what is CC cream, what is difference between these two creams and how to apply them. मगर guys, वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe my channel, like and share करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ and उसी सब्सक्राइब बटन के पास होगा एक छोटा सा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहे एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस आउट ना हो. So, चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ. So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ what is BB cream and what is CC cream and इनके differences के बारे में. So guys, अ ब्यूटी क्रीम को अ ब्लैमिश बाम, ब्लैमिश बेस एंड ब्यूटी बेस कहा जाता है एंड ब्यूटी बेनिफिट क्रीम भी कहा जाता है. एंड ये गार्नियर की बीबी क्रीम है एंड इसमें ऑलरेडी SPF 24 विथ PA++ UEA UVB प्रोटेक्शन ऑलरेडी है एंड इस वाले बीबी क्रीम में आपको विटामिन सी, आलमंड एक्सट्रैक्ट प्लस मिनरल्स फॉर ब्राइटनिंग भी मिल जाएंगे. सो ये गार्नियर की बीबी क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है. बीबी क्रीम होती है वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड आपको ये अप्लाई करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइजर या प्राइमर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज इसमें ऑलरेडी SPF दिया होता है. पर इसका कवरेज लाइट टू मीडियम है एंड ये सारी स्किन के लिए सूटेबल है. लाइक इसमें और कोई शेड्स नहीं आते हैं, ये सिंगल शेड का आता है एंड ये सारे स्किन टोन्स के लिए है, स्पेशली इंडियन स्किन टोन्स के लिए. एंड नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ ये लैक्मे 925 सीसी क्रीम की. सो गाइस, सीसी क्रीम को कलर करेक्टिंग क्रीम, कॉम्प्लेक्शन करेक्टिंग क्रीम एंड कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम कहा जाता है. दिस इज द फुल फॉर्म्स ऑफ सीसी क्रीम्स एंड ये है ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश एंड इसमें है ऑलरेडी SPF 30 विथ PA++. सो ये सीसी क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इसका कवरेज मीडियम टू हाई कवरेज है, मुझे तो काफ़ी अच्छा कवरेज लगता है इसका. सो चलिए अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, इन दो को अप्लाई करके दिखाती हूँ एंड दिखाती हूँ आपको कवरेजेस किसका कैसा है. सो गाइस, मैं अपनी लेफ्ट साइड पर अप्लाई कर रही हूँ गार्नियर की ये बीबी क्रीम. मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा लूंगी. मेक श्योर कि आप अपने अंडर आई एरिया को बहुत अच्छे से कंसील करें बिकॉज इसका कवरेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा अप्लाई करने वाली हूँ. ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. आप देख सकते हैं कि कवरेज मीडियम है इसका, बिल्कुल हाई कवरेज नहीं है. एंड अब मैं इसे सेट कर लूंगी अपने ये फिटमी कॉम्पैक्ट से. अच्छे से सेट कर लूंगी. इसकी कवरेज की आप बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी कवरेज बहुत ही लाइट है, बट ये डे टू डे लाइफ के लिए या डेली बेसिस के लिए काफी अच्छा है. अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो. चलिए अब मैं अपने राइट साइड पर लैक्मे 925 सीसी क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ एंड इससे भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा ले लूंगी. एंड आपने देखा ही होगा कि बीबी क्रीम का टेक्सचर बहुत ही लिक्विडी है एंड सीसी क्रीम का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है. सो इसे भी मैं ऐसे ही अप्लाई कर लूंगी, बट मैं इसे अपने अंडर आई एरिया पर काफी अच्छे से अप्लाई करूंगी बिकॉज मेरी मुझे थोड़ी सी डार्कनेस है वहां पर. तो गाइज, अब मैं इसे भी ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूंगी एंड आप देख सकते हैं कि इसका कवरेज थोड़ा सा हाई है, इसका कवरेज काफी अच्छा है ब्रश की हेल्प से भी. एंड मुझे ये सीसी क्रीम बहुत पसंद आई है. एज इफ आप देख सकते हैं कवरेज के मामले में अगर आपको मैं दिखाऊं तो सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है. सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे भी सेट कर लूंगी.
अब वो चाहे सीसी क्रीम हो, बीबी क्रीम हो, कोई फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो एंड आप बिल्कुल डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि अब बीबी क्रीम का कवरेज कैसा है एंड सीसी क्रीम का कवरेज कैसा है। तो गाइज स्किन में जो भी हमारी अनइवननेस होती है, रेडनेस होती है, उसके लिए ये सीसी क्रीम बहुत ही बेस्ट रहती है। ये सीसी क्रीम हमारे फेस पर कोई भी एक्ने है, पिंपल्स है, ब्लेमिशेज है, उसे हाइड करने में हमारी हेल्प करती है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम का कवरेज कैसा था। मैंने अपने लेफ्ट साइड पर बीबी क्रीम अप्लाई की थी एंड अपने राइट साइड पर सीसी क्रीम अप्लाई की थी। आई होप कि आपको पता चला होगा कि बीबी क्रीम का जो कवरेज होता है वो लाइट टू मीडियम होता है एंड सीसी क्रीम का जो कवरेज होता है वो मीडियम टू हाई होता है। हम जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन के पहले हमें प्राइमर अप्लाई करना पड़ता है या फिर सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ता है। सो ये बीबी क्रीम अप्लाई करने से पहले हमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये था मेरा वीडियो ऑन व्हाट इज़ बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम, उनमें डिफरेंस क्या है एंड उसे कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक एंड शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।